नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं in24news। आई नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। विकराल होता जा रहा है चक्रवाती तूफान बिपर जॉय, हाई टाइड के बीच समंदर में उठी ऊंची लहरें, कई जगह हुई बारिश। चक्रवाती तूफान बिपर जॉय के कारण मुंबई और गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी, मुंबई और उसके आसपास के जिलों में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। खराब मौसम के चलते मुंबई एयरपोर्ट के एक रनवे को किया गया बंद, एयर इंडिया की कुछ विमान देरी से चल रही है तो वहीं कुछ विमानों को किया गया रद्द। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आया हैरान कर देने वाला मामला, बेटी ने कर ली दूसरे धर्म में शादी तो माँ बाप ने जिंदा ही बेटी का कर दिया पिंडदान। मुंबई के लिए 238 वंदे मेट्रो का जल्द निकलेगा टेंडर, वंदे मेट्रो में एसी लोकल से भी बेहतर होंगी सुविधाएं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने वारकरियों पर किया लाठी चार्ज, वारकरी मंदिर के अंदर जाने की कर रहे थे कोशिश। पुणे में वारकरियों पर पुलिस के लाठी चार्ज मामले में उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा वारकरियों पर लाठी चार्ज के पीछे है बीजेपी का हाथ, धार्मिक तनाव उत्पन्न करने के लिए बीजेपी ने करवाया लाठी चार्ज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार पर कप्तान रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा टीम की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी हार के लिए जिम्मेदार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, पहले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का किया वादा, फिर सत्ता की लालच में कांग्रेस एनसीपी की गोद में जा बैठे। मुंबई महानगर पालिका का बड़ा दावा, बीएमसी की 18 महिला इंजीनियर के दम पर समय से पूरा हुआ नाला सफाई का काम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुंबई समेत महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर in24news चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।